तो अब हम करेंगे मेंटल मैथ का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर कक्षा 8 का मैंने लिया है, क्लास 8, और बच्चों 28 करने वाले मैं हूँ हरी सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए, एक शॉर्टकट ट्रिक जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में काफी आपकी हेल्प करेगी। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 मैंने लिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। तो सबसे पहले करना, देखो छोटा सा नंबर है, क्या करना, 2 1 2, 3 2 6, 3 4 12, और यहाँ पर 5 4 20, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐड कर दीजिए 20 12, और यहाँ पर ये देखो 12 और 6 और 2, यहाँ पर हो गया 8, 8 और 12 20, 20 प्लस 20 40, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर देखो 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से। तो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, ए प्लस बी में लिखो, तो 12 प्लस 9 हो जाता है 21, और बीच में को क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। और ए माइनस बी, अब 12 में से 9 माइनस कर दीजिए तो हो गया 3, और अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 3 होता है 63, ये आपका आंसर बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। अब बच्चों देखो 99 का स्क्वेयर रूट फाइंड करना, 44 का करना। अब आप देख रहे होंगे ये तो परफेक्ट स्क्वेयर रूट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करना है, 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि हमने 11 से डिवाइड किया, बाद में 11 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का होता है 2, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 को 11 से बाद में मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 जा 66, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, 11 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, माइंड में डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 9 और 4 आ गया, और इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, 3 2 जा 6 आ गया, और 6 को पहले, क्योंकि पहले डिवाइड किया था, बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, तो 66 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर हम करने वाले हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। ओड देखो जैसे अभी पहले किया था, 1 प्लस 2 सॉरी 3, ओड नंबर लेने हैं, +5 +7, इस तरीके से। ठीक है ना, 9 प्लस 11 प्लस यहाँ पर 13 प्लस 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों, सॉरी 19 आ गया। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया ना बच्चों यहाँ पर। तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 10 का स्क्वायर, यानी 100, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर। तो बच्चों देखिए, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर लिखा एक्स की पावर वाई और इक्वल 141, तो सच दैट एक्स ग्रेटर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है ना, और पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इसको क्या करना है, एक्स की पावर वाई, तो ये इसका भी हम स्क्वेयर रूट लिख देंगे, तो 21 आता, 21 की पावर 2। अब बच्चों देखो एक्स की वैल्यू तो आ गई 21 और वाई की वैल्यू आ गई 2, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छा लगे और जल्दी हो जाए। तो देखो यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। अब इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, ठीक है यहाँ पर फील्ड लगा लीजिए, कोई पार्ट है तो 80 मीटर एंड इट्स ब्रेथ 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेंथ तो है 80 मीटर और ब्रेथ है बच्चों 60 मीटर, तो फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल की
जो डायगोनल है उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से ये देखो ये 80 हो गई और ये 60 हो गई, ये डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों सबसे और छोटा तरीका ले लेते हैं, इसमें से जीरो जीरो हटा दीजिए, ये हटा दी, ये मान लो 8 है, ये 6 है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें ये क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की या डायगोनल का लेंथ निकाल लेनी है, ये डायगोनल, ठीक है, यहाँ पर। तो कैसे आएगी, तो रूट का साइन लगाएंगे और यहाँ पर देखो मैंने जीरो हटाया है, ठीक है, तो उसको बाद में जीरो हम ऐड भी कर देंगे, या टेन से डिवाइड किया तो टेन से बाद में मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर 64 प्लस 36 और ये आ गया बच्चों 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों कितना, 10। अब क्योंकि मैंने पहले 10 से डिवाइड किया था या जीरो हटा दी थी, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 10 × 10 यानी 100, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में मैंने बताया है। अब क्योंकि सभी डायगोनल की इनकी क्या होती है, लेंथ रेक्ट एंगल की जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो सम ऑफ डायगोनल यानी D1 प्लस D2, तो 100 प्लस 100 प्लस, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि सम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अब बच्चों देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4AB, ठीक है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, देखो इस पूरे को ना आप ए मान ले, ये हमेशा याद रखे, ए स्क्वेयर माइनस और यहाँ पर बी, और बी के अंदर अगर कोई दो डिजिट है तो उसमें माइनस का, तब ये फॉर्मूला ये आप लगा सकते हैं। अब ये आएगा कैसे, इस पूरे को आप ए मान ले, तो ए स्क्वेयर माइनस और ये पूरा हो गया बी, बी स्क्वेयर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ये हो गया, और फिर क्या होगा ए, ये ए हो गया माइनस बी, अब बी जो है यहां ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का है, तो ये तो हो गया माइनस का और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, इस तरीके से। अब यहां पर ये कट के माइनस प्लस माइनस, अब देखो 1a और 1a 2a इंटू 1b और 1b 2b, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 × 2 = 4 4ab, इस तरीके से आंसर निकल गया। अब बच्चों देखो आगे यहां पर लिखा है बच्चों कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट किया जाए, अब सब्ट्रैक्ट करने पे इससे कम नंबर आएगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम कल जल्दी से निकाल लेते हैं, पीछे से पेयर बनाया, अब देखो 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इससे कम होता है 4, वो होता है 2 का, तो 2 के स्क्वायर पे चलाएंगे तो 1, और नेक्स्ट नंबर इसमें डाउन किया, सॉरी पेयर डाउन किया, 2 का डबल हमने कर दिया। अब क्योंकि माइनस करना है और माइनस करने पे कम नंबर आएगा तो हम इससे कम नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पर करके देखो आप 4 को आप 5 से करके देखते हैं, 5 के स्क्वायर से 5 × 5 = 25 कैरी 2 5, 4 × 40 = 22, ठीक है, इस तरीके से। तो 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, और सॉरी ये तो 5 पे भी ज़्यादा हो गया है, और हम इस पे लेंगे 3 पे करके देखते हैं, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, ठीक है, ये आ गया, 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 पे इसको लेंगे तो 129 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से 7 में से 9 माइनस ही होंगे, बोरो लेंगे 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, तो बच्चों आगे तो 0 आ गया। तो अब देखो वो नंबर क्या है, लिस्ट नंबर है 8, ठीक है, क्या नंबर आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ द लिस्ट नंबर इज 8, ठीक है, 8 आ गया। अगर इसको 537 में से 8 माइनस कर दें, ये आपका आंसर ये है, ठीक है, माइनस कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो देखते हैं 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर आ गया 2 और ये आ गया 529, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया बच्चों, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर देखो बच्चों 36 में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं एरिया गिवन है स्क्वायर का और इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें साइड का मालूम होगा। तो साइड मान लेते, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू एक्स, और एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है, यही होता है ना। बट गिवन एरिया क्या है, 6.25 और या 625/100 इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर 625/100। अब मैं इसको स्क्वायर को हटाकर इधर ले आता हूँ, इधर स्क्वायर रूट में, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 100 का होता है 10, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों ये तो आ गई साइड, क्या आ गई साइड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैं इधर ही बता देता हूँ, पेरीमीटर, ठीक है, जगह कम है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, साइड क्या है 25 बाई, ये आ गया, ठीक है, 10। तो देखो 25 × 4 कितना होता है 100 × 10, तो यहां पर ये आ गया। तो बच्चों आपके जो पेरीमीटर आ गया वो 10 आ गया, यहां पर मैं लिख दिया 10 मीटर, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए जल्दी से और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 मैंने लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों यहां पर लिखा फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 9, 15 and 20। यानी एक ऐसा छोटी सी छोटा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 6 से 9 से 15 से और 20 से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर होता है बच्चों इनका एलसीएम। लिस्ट नंबर फाइंड करना तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहां पर 6, 9, 15 और 20, तो यहां पर बच्चों 2 से लेंगे, 2 3 6 9 15 2 10, यहां पर आ गया 20, ठीक है। अब हम इसको लेने वाले हैं 3 से, ले लो 3 1 3 3 3 9 3 5 15, और ये यू का यू आ गया। अब इसको 5 से ले लेते हैं, 5 1, ये 5 की टेबल नहीं आएगा, ये यू का यू, ये भी यू का यू, 5 5 और ये 5 2 10। तो बच्चों यहां पर जो ये फैक्टर आए हैं, देखो 2 × 3 × 5 × 3 × 2, 1 को छोड़कर सभी लिख लीजिए, सभी प्राइम नंबर आ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, मतलब स्क्वायर आ जाएंगे, लेकिन 5 का नहीं बना। अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 5 का भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। और अब देखो बच्चों, अब ये जो मल्टी, ये जो इसका जो मल्टीपल आएगा, जो भी इसका गुणनफल आएगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जो 6, 9, 15, 20 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर है ना, निकाल लिए हमने, ठीक है ना। तो अब वो नंबर कौन सा होगा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, ठीक है, 10 3 30, 30 5 150 और 1 3 2 6 156 900, जी हाँ 900, ये आपका आंसर आ गया। अब ये 900 ऐसा नंबर है, 6 से डिवाइड करो, 9 से करो, 15 से करो, 20 से करो, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना, पहले फैक्टर निकाल लेने, जिनके पेयर बनते हैं, अगर सभी के पेयर बनते तो उनको मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन इसमें सभी के पेयर नहीं बन रहे थे तो हमने अपनी तरफ से 15 लगा के पेयर कंप्लीट कर लिए हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नंबर आ गया जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन 38 कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसमें लिखा 180 को मल्टीप्लाई किया जाए, कि छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आइए इसको फैक्टर कर लेते हैं जल्दी से। इस तरीके से 2 4 2 5 10, यहाँ पर 3 से 3 1 3 3 5 15, 3 5 यहाँ पर आ गया 5 1 5। अब देखो ये फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। यहाँ तो पेयर बनना है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर हम 5 और लगा दे तो पेयर बन जाता है। तो अब तब ये, अगर देखो हमने मल्टीप्लाई 5 किया ना, अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 900 आ जाएगा। 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, तो वो लिस्ट नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका आंसर है, द लिस्ट नंबर एज
5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।